ही सिक्के के दो चेहरे हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। यही तो राहुल जी ने आज सुबह कहा। यहाँ शैडो बॉक्सिंग होता है, दिखावा के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं, पर कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जो बीजेपी आरएसएस की विचारधारा से लड़ रही है। और ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इसके पीछे क्या विचार है? जो पांच न्याय राहुल जी ने समाज के सामने रखा है, देश के सामने रखा है, उसके बारे में मेरे युवा साथी कन्हैया कुमार जी आपको जानकारी देंगे। हमारे साथ हमारे एआईसीसी प्रभारी अजय कुमार जी हैं, हमारे पीसीसी अध्यक्ष पटनायक जी हैं और हमारे सांसद सप्तगिरी भी हैं, और वो भी आपको संक्षिप्त में संबोधित करेंगे। पर पहले मैं कन्हैया जी से गुजारिश करूंगा, ये जो पांच न्याय हैं जो राहुल जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय कहा है, उसके बारे में कुछ कहें, और खास तौर से युवा न्याय जो इस पांच न्याय का एक अंग है। कल शाम तक हम उड़ीसा में हैं, 9 तारीख और 10 तारीख विश्राम का दिन है, और 11 तारीख सुबह भारत जोड़ो न्याय यात्रा फिर से शुरू। सभी पत्रकार साथियों को जय जगन्नाथ। जैसा कि जयराम जी ने बताया कि हमारी यात्रा विभिन्न राज्यों से होते हुए उड़ीसा की महान भूमि पर पहुंची है, और यह जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, पिछला जो भारत जोड़ो यात्रा हुआ था उसके दौरान जो देश के लाखों करोड़ों लोग राहुल जी से मिले, हम भारत यात्रियों से मिले, उन्होंने जो अपना दर्द साझा किया, उनके मन की बात सुनने के बाद हमारी पार्टी को, हमारे नेता को ये लगता है कि इस देश में अन्याय को समाप्त किए बिना, न्याय की स्थापना किए बिना देश को शक्ति नहीं मिलेगी, देश शक्तिशाली नहीं होगा, और इसका मतलब देश के 140 करोड़ लोग। तो ये जो देश के 140 करोड़ लोग हैं, उनके साथ, किसी के साथ भी जो अन्याय हो समाप्त करने के लिए यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा पांच तरह के न्याय की बात कर रही है। पहला युवा न्याय, दूसरा हिस्सेदारी न्याय, तीसरा नारी न्याय, चौथा किसान न्याय, और पांचवा श्रमिकों का न्याय। ये पांच प्रकार के न्याय से इस देश के जो 140 करोड़ लोग हैं, उन अगर कुछ न्याय हो रहा हो तो हम न्याय उनको दिला सकें, न्याय को स्थापित कर सकें, इसी संकल्प को लेकर के यात्रा चल रही है। और आज जब हमारी यात्रा राउरकेला में है, और जयराम जी ने आपको इस देश के पब्लिक सेक्टर के बारे में बताया कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने देश को आजादी दिलाने के बाद तमाम तरह से सहयोग इकट्ठा करके इस देश में पब्लिक सेक्टर बनाई, प्रश्न ये उठता है कि आज वो पब्लिक सेक्टर फ्रेंड सेक्टर में कैसे कन्वर्ट हो रहा है और क्यों कन्वर्ट हो रहा है, ये कौन सा मॉडल है? पब्लिक सेक्टर को प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी फ्रेंड सेक्टर में तब्दील कर रहे हैं, और उनकी इस पकौड़ानॉमिक्स के चलते, ये जो पकौड़ा तलने वाली जो इकोनॉमिक्स है उसके चलते आज देश में कमर तोड़ महंगाई और जबरदस्त बेरोजगारी है, वह नहीं है बेरोजगारी है। और जब आप बेरोजगारी की बात करेंगे, जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।